प्रदेश में गारंटियों को लेकर कांग्रेस भाजपा में जुबानी जंग जारी है। एक तरफ कांग्रेस सरकार 5 सालों में सभी गारंटियों को पूरा करने की बात कह रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इन गारंटियों को लेकर सरकार पर हमलावर है। बीजेपी मीडिया प्रभारी ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 10 महीने बाद भी गारंटियां पूरी नहीं हो पाई है। कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के मंत्रीगण अपने चुनावों के टाइम पर जो उन्होंने 10 गारंटियां दी थी उससे भागते हुए दिखाई दे रही है। उनको लग रहा है कि अपने तो पल्ला छुड़ाना ही पड़ेगा। आप देखिए किस प्रकार से जब इनका चुनाव चल रहा था तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने जगह जगह जाकर अपने 10 घंटियों का गुणगान किया था। उन्होंने 1 लाख नौकरियां देने की बात करी, 5 लाख नौकरियों तक गए। उसके बाद दूसरी गारंटी 22.5 लाख महिलाएं 18 से 60 वर्ष तक की, उन सबको 1500 रुपये प्रति महीना देने की बात करी। स्टार्टअप फंड की बात करी उन्होंने कि 680 करोड़ का हम स्टार्टअप फंड बनाएंगे। हम पूछना चाहते हैं कि प्रियंका गांधी जी आपके वादे कहाँ गए? उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स 16